उसको स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं पिछले क्लास की। पिछले क्लास में मैंने एक सवाल पूछा था आपसे सीआरपीसी की क्लास में, और वो क्वेश्चन ये था कि दोस्तों हमारे जुडिशियल सिस्टम में सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कितने कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट के अलावा। ये सवाल मैंने आपसे पूछा था, और मैंने आपको एक दिन का समय दिया था क्योंकि आप सब लोग गलत गलत जवाब दे रहे थे, अलग अलग जवाब दे रहे थे, गलत तो नहीं बोलूंगा, तो सोच समझिए और मुझे जवाब दीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सीआरपीसी के हिसाब से हाई कोर्ट को छोड़ के कितने कोर्ट्स होते हैं बताइए भाई। तीन बोल रहे हैं लोग, चार बोल रहे हैं लोग। ठीक है, तो मैं इस सस्पेंस को खत्म ही कर देता हूं आज। दोस्तों ये जो सवाल है ये सीधा सीधा सवाल है सेक्शन सिक्स से। सेक्शन सिक्स जो सीआरपीसी का है उसको देखेंगे, तो उसमें सीधे सीधे लिखा है कि अगर हम हाई कोर्ट को और जो स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं अलग अलग पर्पस से उनको अगर एक तरफ हटा दें तो उसके अलावा हमारे पास चार स्तरीय कोर्ट होते हैं, फोर स्ट्रक्चर का कोर्ट सिस्टम है। कैसे कैसे? पहला है दोस्तों कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरा है जल्दी बताओ कौन सा होगा दूसरा कोर्ट बताओ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट, और एक तरफ दूसरी तरफ कौन सा होगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसके नीचे कौन आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और दोस्तों आखिरी में कौन आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये चार स्तरीय स्ट्रक्चर है जो सेक्शन सिक्स है हमारा सीआरपीसी का जो हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बाकी जितने भी कोर्ट्स हमने पढ़े थे सीजेएम के सीएमएम के वो इसी हायरार्की का पार्ट होते हैं, अपने आप में हायरार्की नहीं होते, इसी हायरार्की का पार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं आज का, आ जाओ वापस आईपीसी पे, बहुत हो गया सीआरपीसी, अब आ जाओ दोस्तों आईपीसी पे। जिसको अभी भी डाउट है सेक्शन सिक्स को पढ़े ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप सभी लोग तैयार हैं आईपीसी के लिए वाई टाइप कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है दोस्तों। इंडियन पीनल कोड, इस सब्जेक्ट के लिए दोस्तों आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने चाहिए क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। मैं अभी से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, मैं जब तैयारी कर रहा था मुझे तभी लग रहा था कि कितनी सारी चीजें हैं जो आपको बतानी है समझानी है, और कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूं रिलेट कर सकता हूं सीधे सीधे। तो आइए शुरू करते हैं आईपीसी का सबक। जैसे कि मैं बता रहा था कि हमेशा कोई भी स्टैट्यूट हमको पढ़ना है तो सबसे पहले जानने की कोशिश करनी है कि इसका पर्पस क्या है, मतलब उसका फायदा क्या है, उसे बनाया क्यों गया है। एवं तो कोई लॉ लॉ बनाया नहीं गया होगा, एवं तो कोई भी कुछ नहीं करता, देयर हैज टू बी अ पर्पस। तो पर्पस क्या है हमारे आईपीसी का, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज मैं बता दूं, ये जो हमारा आईपीसी है दोस्तों ये हमारा क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। मैंने आपको क्लासेस शुरू करने से पहले बताया था ना, शुरू में हमारा फोकस क्रिमिनल साइड पे ज्यादा रहेगा, इसीलिए हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं आईपीसी पढ़ रहे हैं, और एविडेंस एविडेंस तो कॉमन रहता है दोनों के लिए, पर हाँ ठीक है। तो ये क्रिमिनल लॉ का पार्ट है, और कैसा पार्ट है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सब्सटेंटिव। कैसा पार्ट है क्रिमिनल लॉ का? सब्सटेंटिव पार्ट है, ठीक है। अब ये सब्सटेंटिव का मतलब क्या है इसको मैं इस कंफ्यूजन को ठीक करता हूं आप सबको, ठीक है। दोस्तों दो तरीके के क्रिमिनल लॉ होंगे, ठीक है, एक होगा प्रोसीजरल और एक होगा सब्सटेंटिव, दो तरीके के लॉज होते हैं, ठीक है। अगर हम क्रिमिनल साइड की बात करें तो प्रोसीजरल लॉ कौन सा है हमारा सीआरपीसी, और सब्सटेंटिव लॉ कौन सा है आईपीसी।
मतलब क्या है, क्रिमिनल सब क्रिमिनल वाले एरिया में, क्रिमिनल वाली साइड पे कोई भी चीज, क्या प्रक्रिया होगी, क्या सिस्टम चलेगा, क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, कैसे केस डिसाइड होगा, कैसे एविडेंस लिया जाएगा, वो सारी चीजें, वो पूरा जो प्रोसीजर वाला पार्ट है वो सीआरपीसी में लिखा हुआ है। पर वही क्या करना, क्राइम होगा, किसी क्राइम के लिए कितनी सजा होगी, क्या कोई कर देता है तो क्रिमिनल कहलाएगा, कैसे बचा जा सकता है, क्या डिफेंसेस हैं, ये जो सब्सटेंटिव पार्ट है ये सब है आईपीसी के अंदर। तो आईपीसी में हम पढ़ते हैं सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ, इसीलिए ज्यादा मजा आएगा। यहां पे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना, क्राइम है अगर आप ये करते हो तो इसकी कितनी सजा मिलेगी, अगर आपने गलती से कर दिया है तो कैसे बच सकते हो उस चीज से। तो इस ये सारी चीजों को ध्यान देते हुए हम हमारा आईपीसी का लेक्चर शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहली बात मैंने बता दिया कि ये हमारा सब्सटेंटिव लॉ है, और क्योंकि ये सब्सटेंटिव है, सीधी सीधी बात करता है, तो ये किसके बारे में डिस्कस करेगा, राइट और रॉन्ग, ये हमको ज्ञान देगा, राइट और रॉन्ग, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। अगर आप ये वाले साइड पे जाओगे तो आपको सजा मिलेगी, अगर आप ये वाले साइड पे रहोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो राइट और रॉन्ग की बात करता है कौन, आईपीसी, क्योंकि वो सब्सटेंटिव लॉ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, आईपीसी आपको पनिशमेंट के बारे में बताता है, ये बताता है कि अगर आप रॉन्ग करोगे, अगर आप कुछ गलत करोगे, अगर आप वो कृत्य करोगे, वो एक्ट करोगे जो क्राइम है, तो आपको सजा हो सकती है। कितनी सजा होगी वो भी बताएगा, मर्डर करोगे तो इतनी सजा होगी, थेफ्ट करोगे तो इतनी सजा होगी, किडनैपिंग करोगे तो इतनी सजा होगी। तो ये सब जो है दोस्तों हमारे सस्टेंटिव क्रिमिनल लॉ का पार्ट है, हमारे आईपीसी का पार्ट है। तो मैं समझ पा रहा हूं कि यहीं से आपको अंदाजा लग गया होगा कि आईपीसी की क्लासेस कितनी इंटरेस्टिंग रहने वाली हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने बताया, आज की जो क्लास है दोस्तों मैं बहुत लाइट रखूंगा, हमेशा किसी भी सब्जेक्ट को जब मैं शुरू करता हूं तो मेरा पर्पस रहता है कि बच्चों को एकदम बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ डंप ना कर दूं, उनको टाइम दूं, एडजस्ट होने का टाइम दूं, ईज फील कराने का टाइम दूं। तो वही करूंगा, बेसिक समझेंगे, पर जो बेसिक है उसको स्ट्रांग लेके चलेंगे। अगर हमारी नींव मजबूत होगी ना तो आगे के जो सेक्शन है वो बिल्कुल प्यार से निकल जाएंगे बिना किसी टेंशन के। तो वही हमारा एम रहेगा और उसी एम को लेके शुरू करते हैं। जो पहला सेक्शन है दोस्तों आईपीसी का, वो एक्सटेंट की बात करता है। एक्सटेंट की, एक्सटेंट मतलब क्या, अब तो आप समझ ही गए होंगे, एक्सटेंट मतलब ये जो हमारा कानून है वो कहां कहां पे अप्लाई होता है। तो सीधी सीधी बात है, उसमें ज्यादा सोचना नहीं है कि हमारे पूरे भारतीय क्षेत्र पे अप्लाई होता है, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, कहीं पे भी, हर जगह इंडियन पीनल कोड अप्लाई होता है, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। अब दोस्तों, अब थोड़े से टेक्निकल फील्ड में जा रहा हूं, अब अपना पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान मेरे पर लगा दीजिए, ठीक है। उससे पहले दोस्तों, जितने भी लोग आप लाइव हो, प्लीज वीडियो को लाइक करो, व्यूअरशिप ज्यादा है, लाइक्स कम है, आप सब लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, बराबर प्रोत्साहन मिलना चाहिए मुझे। मैं यहां पे क्लासेस ले रहा हूं, मेरे को मोटिवेटेड रखना आपका काम है, मैं आपको मोटिवेटेड रखूंगा, पर मेरे को मोटिवेटेड रखने का काम आपका है, वो आप मेरे लाइक्स के थ्रू कर सकते हो और मेरी व्यूअरशिप बढ़ा के कर सकते हो। तो एक्सटेंट की बात मैंने दोस्तों आपको बता दी, बढ़ते हैं आगे। अब मैं क्यों कह रहा था कि हम थोड़े से टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं, क्यों कह रहा था मैं अब आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से, पूरा अटेंशन देके, चैट बॉक्स पे कम ध्यान, वीडियो पे कम ध्यान, ज्यादा ध्यान देके समझो। सेक्शन टू बताता है दोस्तों कि आईपीसी हमारा इंडियन पीनल कोड है, वो भारत के अंदर विद इन इंडिया कब और कैसे अप्लाई होता है, ठीक है, ये यूनिक चीज है, ठीक है। जब सीआरपीसी किया तो एक लाइन में बोल दिया इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, एविडेंस पढ़ा एक लाइन में बोल दिया होल ऑफ इंडिया, पर आईपीसी में बोल तो दिया होल ऑफ इंडिया, पर इसके आगे भी कुछ टेक्निकलिटीज हैं। सेक्शन दो पे बहुत ध्यान से सुनिए, सेक्शन दो बात करता है आईपीसी देश के अंदर, इंडिया के अंदर कैसे अप्लाई होता है, बहुत ध्यान से सुनो। एवरी पर्सन विद इन इंडिया, मतलब ये जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, जो हमारा सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ है, ये भारत के अंदर
जितने भी लोग हैं दोस्तों, पर्सन लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, पर्सन लिखा हुआ है, मैं भारतीय नागरिक नहीं बोल रहा, एवरी पर्सन विद इन इंडिया, भारत के अंदर जो भी लोग हैं मौजूद, उन पे आईपीसी लागू होता है, आईपीसी अप्लाई होता है, फिर चाहे उनकी कोई भी कास्ट हो, कोई भी कलर हो, कोई भी सेक्स हो, या फिर सबसे महत्वपूर्ण कोई भी नेशनैलिटी हो। कहने का मतलब है वो किसी भी जाति के हो, किसी भी रेस के हो, किसी भी रंग के हो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, या फिर वो किसी भी देश से बिलोंग करते हो, अगर वो भारत के अंदर हैं, विद इन, अगर वो भारत में हैं, तो उन पे आईपीसी अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। अगर कोई अमेरिकी व्यक्ति यहां पे मर्डर करेगा तो उस पर आईपीसी अप्लाई होगा, ठीक है। पहली बात तो ये समझ में आ गई विद इन इंडिया वाली। अब आईपीसी के खिलाफ आप कब और कैसे जा सकते हो, कब आपको आईपीसी के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर दबोचा जा सकता है, समझिए। या तो आप कोई एक्ट करें, कोई कृत्य करें, या आप कोई ओमिशन करें। इन दोनों शब्दों का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, फिर बता देता हूं। एक्ट का मतलब होता है दोस्तों पॉजिटिव एक्शन करना, मतलब किसी को चाकू मारना, किसी को शूट करना, किसी को उठा लेना, किसी से लड़ाई करना, ये सारे एक्ट हैं, पॉजिटिव एक्शंस हैं। पर वहीं ओमिशन का मतलब होता है दोस्तों कुछ ऐसा ना करना जो करना आपकी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को खाना ना देना, अपनी वाइफ को मेंटेन ना करना, ये सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी है जो आप पूरा ना करें। तो कोई भी क्राइम किया जा सकता है एक्ट के जरिए भी, ओमिशन के जरिए भी। आप चाकू मार के भी किसी का मर्डर कर सकते हो, और किसी को खाना ना दे के भी आप उसका मर्डर कर सकते हो। तो दोनों ही चीजें दोस्तों इंडियन पीनल कोड के अंदर कवर हो जाती है। अगर आप कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन करते हो जो आईपीसी के खिलाफ जाता है, और आप भारत के अंदर हो, तो आप पकड़े ही पकड़े जाओगे, ठीक है। अब इसके एक्सेप्शंस, ये तो बात हो गई कि आईपीसी अप्लाई होगा, कब होगा, कैसे होगा, हर एक व्यक्ति पे होगा जो भारत में होगा, उसकी कोई जाति हो, कोई कलर हो, कोई सेक्स हो, कोई नेशनैलिटी हो, अप्लाई होगा। एक्ट और ओमिशन दोनों तरीके से पकड़ा जा सकता है, पर कब नहीं होगा और किस पे नहीं होगा दोस्तों, कुछ पद ऐसे होते हैं जिन पे आईपीसी इंडियन पीनल कोड अप्लाई नहीं होता है। जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, ऐसे लोग जो विदेशी गवर्नमेंटों को, विदेशी सरकारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, एम्बेसीज हैं, इसके जो लोग हैं, जो इसके चेयरमैन हैं, जो काम करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, इन लोगों के ऊपर दोस्तों आईपीसी अप्लाई नहीं होता है, ये लोग प्रोटेक्टेड हैं। और ऐसे ही फॉरेन सोवरेन्स होते हैं, उन पे भी आईपीसी अप्लाई नहीं होता है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख सकते हैं। एक होता है एनिमी एलियन, उस पे भी दोस्तों आईपीसी अप्लाई नहीं होता है। तो अगर मैं आपको कंक्लूड करूं आसान भाषा में, तो ऐसे समझिएगा दोस्तों, जब एप्लीकेशन की बात आएगी तो हर व्यक्ति पे अप्लाई होगा जो भारत के अंदर है, फिर चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, नेशनैलिटी का हो। आईपीसी के अंदर एक्ट और ओमिशन दोनों तरीके से इसको पकड़ा जा सकता है, पर फॉरेन डिप्लोमेट्स और फॉरेन सोवरेन्स, एनिमी एलियंस, इन सब लोगों पे आईपीसी अप्लाई नहीं होता है। ये बात थी दोस्तों सेक्शन 2 की, जो विद इन इंडिया आईपीसी के एप्लीकेशन को समझाने की कोशिश करता है। अगर दोस्तों सेक्शन 2 क्लियर है आप सबको, तो वाई टाइप कर दीजिए। एग्जाम्पल्स दोस्तों कुछ ऐसे हो सकते हैं, मानिए कोई अमेरिकी व्यक्ति हमारे देश में आके कोई क्राइम करता है, चोरी कर लेता है, तो उसको आईपीसी के अंदर पकड़ा जा सकता है। ये हो गया विद इन इंडिया का एग्जाम्पल। मानिए वो जो अमेरिकी है जो भारत में चोरी कर रहा है, वो एक डिप्लोमेट है, मतलब एक सरकारी अफसर है जो अपनी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर उसको आईपीसी के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता, उसको उसी के देश में उस कृत्य के लिए सजा दी जाएगी अगर कोई होगी। तो ये दोनों पॉइंट के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अगर दोस्तों समझ में आ गया है तो वाई दबा दो। एनिमी एलियन वाली चीज पे मैं दोबारा वापस आऊंगा, उसको छोड़ो अभी। देखो छोटा सा, अभी यहां पे एक छोटा सा ट्रेलर दे देता हूं।
एलियन कौन होता है? एलियन ऐसा व्यक्ति होता है, जादू नहीं होता, एलियन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी देश का नागरिक नहीं होता है, ठीक है। मानिए अगर भारत में कोई व्यक्ति युगांडा का है, भूटान का है, पाकिस्तान का है, अमेरिका का है, वो सारे लोग एलियंस कहलाते हैं, उनको हम फॉरेनर्स भी बोलते हैं। दो तरीके के एलियंस होते हैं दोस्तों, एक ऐसे एलियन जो ऐसे देशों से आते हैं जिनसे हमारे रिश्ते अच्छे हैं, इनको बोलते हैं हम फ्रेंडली एलियंस। अगर कोई अमेरिका से आता है या ऐसे देशों से आता है जिनके संबंध, जिनसे हमारे संबंध अच्छे बने रहते हैं, उनको बोलते हैं फ्रेंडली एलियंस। पर वहीं जो लोग ऐसी नेशनैलिटी के हैं जिन देशों से हमारे संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, नहीं रहते हैं, उनको बोलते हैं दोस्तों एनिमी एलियंस, ठीक है। ये तो मेन बेसिक डेफिनेशन है। आगे जो डिटेलिंग है, पूरा आईपीसी अभी तो शुरुआत है दोस्तों, पहला लेक्चर है, सब सुन लोगे क्या आज ही आप, ठीक है। अगर सेक्शन टू क्लियर है वाई दबा दो फटाफट, जल्दी से वाई दबा दो। बिल्कुल, अब आ जाओ दोस्तों अगले सेक्शन पे, सेक्शन थ्री पे। सेक्शन टू बात कर रहा था कि आईपीसी देश के अंदर विद इन इंडिया कैसे अप्लाई होता है। अब जो सेक्शन थ्री है वो बात कर रहा है कि जो आईपीसी है वो हमारे देश से बाहर भी अप्लाई हो सकता है। ये देखो कितनी यूनिक चीज है, बढ़िया चीज है। बियॉन्ड इंडिया कहने का मतलब है आईपीसी जो है हमारा वो खाली भारत के अंदर नहीं पर भारत के बाहर भी लागू हो सकता है। पर कैसे, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, चैट से बाहर आओ, बोर्ड पे फोकस करो। बियॉन्ड इंडिया का बात अप्लाई होगा अगर कोई एक्ट या फिर कोई ओमिशन, मैंने अभी बताया एक्ट और ओमिशन का मतलब चाकू मारना, खाना ना देना, दो एग्जांपल रट लो। अगर कोई एक्ट और ओमिशन है कि या तो वो एक्ट और ओमिशन भारत के बाहर गया है, भारत में नहीं हुआ वो एक्ट और ओमिशन, हो सकता है पाकिस्तान में हुआ, हो सकता है बांग्लादेश में हुआ, हो सकता है चाइना में हुआ, भारत में नहीं हुआ, भारत की टेरिटरी में नहीं हुआ, ये एक्ट और ओमिशन भारत से बाहर हुआ है, पर उस एक्ट के और ओमिशन के जो रिपरकशंस है, मतलब उसके जो अफेक्ट्स है, उसकी वजह से जो नुकसान है वो भारत के अंदर हुआ है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई एक्ट तो बाहर किया गया है पर नुकसान भारत के अंदर होता है, उस केस में भी दोस्तों आईपीसी एप्लीकेबल हो सकता है सेक्शन तीन के तहत, सेक्शन थ्री के तहत, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। आईपीसी ये पॉसिबल है कि देश से बाहर के लोगों पे भी अप्लाई हो जाए, पर उसके लिए क्या जरूरी है कि एक्ट और ओमिशन तो देश से बाहर हुआ हो पर उसका जो अफेक्ट है, जो उसका इंपैक्ट है, वो देश के अंदर फील किया गया हो, मतलब किसी ना किसी तरीके से भारतीय नागरिकों का या भारत का एज ए देश नुकसान हुआ हो उस एक्ट और ओमिशन की वजह से, ठीक है। ये सेक्शन तीन की बात है। इसी से जुड़ा हुआ दोस्तों एक सेक्शन चार है, मैं एग्जांपल दूंगा सेक्शन तीन का भी, सेक्शन चार का भी। पहले सेक्शन चार समझ लो क्योंकि आधी बात इसकी सेक्शन चार में है। सेक्शन चार भी दोस्तों सिमिलर सिचुएशन प्रोवाइड करता है, वो भी ऐसी सिचुएशन बताता है जिसमें आईपीसी देश के बाहर के लोगों पे लग सकता है, मतलब देश की टेरिटरी से बाहर अप्लाई हो सकता है, जैसे कि सेक्शन तीन बताता था। बट सेक्शन चार में सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। क्या सिचुएशन है सेक्शन चार में? सेक्शन चार अप्लाई होता है दोस्तों या तो भारतीय नागरिकों पे, ऐसे लोग जो भारतीय नागरिक तो हैं पर भारत से बाहर हैं। बहुत ध्यान से सुनना, सीधे सीधे सवाल बनते हैं बच्चे इन दो सेक्शन से, तो इसमें बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी ढील मत देना, ध्यान से सुनो। सेक्शन चार, सेक्शन चार कह रहा है अगर कोई भारतीय नागरिक है और वो भारत से बाहर है और वो कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन करता है जो आईपीसी के तहत क्राइम है, तो उस पे दोस्तों आईपीसी लागू होगी। समझ रहे हो आप? भारतीय नागरिक भारत से बाहर भी चला जाए और अगर कोई बदमाशी करता है बाहर जाके, तो भी उसको आईपीसी के तहत पकड़ा जा सकता है। इसलिए बाहर जाके बदमाशी नहीं करनी है, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा, अगर कोई ऐसी शिप है, अगर ऐसा कोई एयरक्राफ्ट है जिसका रजिस्ट्रेशन, दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन, अगर ऐसी कोई शिप है, ऐसा कोई एयरक्राफ्ट है जिसका दोस्तों रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ है,
तो कोई भी क्राइम, कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो क्राइम है आईपीसी के तहत इस शिप में या इस एयरक्राफ्ट में होता है, वहां पे आईपीसी अप्लाई होगा ही होगा। एग्जाम्पल देता हूं, मानिए भारत में रजिस्टर्ड शिप है, पर वो कहीं समुद्र की लहरों में दौड़ रहा है कहीं पे सबके टेरिटरी से बाहर, और उसमें किसी का मर्डर हो जाता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर देता है। अब चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, भारतीय नागरिक हो ना हो, कोई भी हो, किसी भी देश का हो, उस पे आईपीसी अप्लाई होगा, क्योंकि वो शिप और एयरक्राफ्ट भारत में रजिस्टर्ड है। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ टेरिटरी डॉक्ट्राइन। ये मान लिया जाता है कि वो शिप और वो एयरक्राफ्ट भारत की टेरिटरी का ही पार्ट हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और आखिरी एग्जाम्पल जो सेक्शन 4 प्रोवाइड करता है, वो करता है कंप्यूटर रिसोर्स का। कहने का मतलब है, अगर कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो भारत से बाहर किया गया है, पर उसका टारगेट भारत में स्थित कोई भी कंप्यूटर सोर्स है, मतलब उस एक्ट और ओमिशन की वजह से इंडिया में कोई कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड है, मानो आर्मी जो डिफेंस फोर्सेस है हमारी, उनका कुछ सिस्टम है, या फिर सरकारी कोई सिस्टम है, या कोई प्राइवेट सिस्टम भी है, अगर उसका टारगेट कंप्यूटर रिसोर्स था जो भारत में स्थित है, उस केस में भी दोस्तों आईपीसी अप्लाई होगा। आप समझ पा रहे होगे, ये एक बहुत कॉमन घटना हो गई है आजकल के समय पे, आजकल में इंटरनेट के जमाने में ये सबसे कॉमन घटना हो गई है। इसलिए याद रखें, ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अप्लाई होता है हमारा आईपीसी, ठीक है। अब मैं आपको सेक्शन 3 और अगर सेक्शन 4 एक साथ पढ़ाऊं और एक साथ बोलूं कि किन किन सिचुएशन में आईपीसी भारत के बाहर लागू हो सकता है। पहला सेक्शन 3 कहता है, ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसमें एक्ट और ओमिशन तो भारत के बाहर हुआ है, पर उसका इंपैक्ट भारत के अंदर फील किया गया है। ये तो बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो भारत के बाहर गई है, उसका नुकसान भारत में हो रहा है, वो पावर दे देता है आईपीसी की एप्लीकेशन के लिए। ये तो बहुत ब्रॉड है और ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, पर यूजफुल बहुत ज्यादा है। पर दूसरी तरफ वहीं जब हम सेक्शन 4 की बात करते हैं, वो बहुत स्पेसिफिक है। वो सीधा सीधा कहता है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए जो भारत से बाहर कुछ करता है, या शिप और एयरक्राफ्ट होना चाहिए जो भारत में रजिस्टर्ड है उसमें कोई क्राइम हो, या फिर भारत में लोकेटेड कंप्यूटर रिसोर्स हो। तो अगर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का संबंध बताने की कोशिश करूं तो ऐसे समझिएगा, सेक्शन 3 तो दरवाजे खोल देता है, बिल्कुल खोल देता है कि हाँ कुछ भी ऐसा करोगे जिससे हमारे भारत देश में इंपैक्ट पड़ेगा, हम तो आईपीसी लगाएंगे। पर सेक्शन 4 आता है बचाव में और कहता है कि इन तीन स्पेसिफिक सिचुएशन में तो लगेगा ही लगेगा, कोई डाउट ही नहीं है। ये संबंध है दोस्तों सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का, ठीक है। अगर दोस्तों सेक्शन 3 और सेक्शन 4 क्लियर है तो वाई टाइप कर दो दोस्तों। कंप्यूटर रिसोर्स आप समझ सकते हो, ये जो साइबर अटैक्स, ये सारे हमारे रोज न्यूज में देखते हैं कि किसी ने आर्मी के उसको स्ट्रक्चर अटैक कर दिया, किसी ने उसको अटैक कर दिया, वो सब एग्जांपल कंप्यूटर रिसोर्स के ही होते हैं दोस्तों, ठीक है। सेक्शन 3 का जो भी लोग एग्जांपल मान रहे हैं, आप कुछ भी ऐसी चीज इमेजिन कर लो, कोई भी ऐसा एक्ट जिसका भारत में इंपैक्ट पड़ रहा हो। एक एग्जांपल देता हूं, मानिए कि कोई व्यक्ति है बांग्लादेश में लोकेटेड है, बांग्लादेश एक गरीब देश है, तो वहां से वो वुमेन्स की ट्रैफिकिंग करता है बहुत ज्यादा, और वो उन वुमेन को ट्रैफिक कर रहा है भारत के किसी क्षेत्र में, जिसकी वजह से प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, कुछ एक्ट है वो इलीगल है, ट्रैफिकिंग इज प्रोहिबिटेड अकॉर्डिंग टू आईपीसी, उसकी वजह से इंपैक्ट भारत में हो रहा है। देखा जाए इस सिनेरियो में सेक्शन 3 लागू हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल एक एग्जांपल ये बन सकता है इस बात का। तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5 बहुत सिंपल है दोस्तों, सेक्शन 5 में कुछ बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं है, तो एक बार को सांस ले सकते हो, आप गहरी सी सांस ले सकते हो सेक्शन 3-4 के बाद, और ये देख सकते हो, ये कहता है कि जो हमारा आईपीसी है, वो एक तो जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवल फोर्सेस हो, उनके लिए ज्यादा प्रावधान नहीं बनाता, जो भी उनके रिलेटेड डिफेंस के जो अपने अलग कानून चल रहे हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, आईपीसी उनमें नहीं घुसेगा। उसके साथ ही साथ अगर कोई स्पेशल और लोकल लॉ चल रहा है पहले से और उसको मंजूरी मिली हुई है पार्लियामेंट के तहत,
तो उसको भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और वो चलते रहेंगे, आईपीसी नहीं घुसेगा। तो किस किस के लिए, किस किस को सेव किया गया है आईपीसी से? एक तो डिफेंस, डिफेंस फोर्सेस के जो भी कानून है और जो भी स्पेशल या फिर लोकल लॉज है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, सेक्शन 5 तो बहुत सीधा सा था। अब आते हैं दोस्तों सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा सेक्शन 6 को। सेक्शन 6 बात करता है, बहुत अच्छी सी बात करता है, अगर बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अभी दोस्तों जो आने वाले सेक्शंस है ना, उसमें हम बहुत सारे शब्दों की डेफिनेशन को जानेंगे, अलग अलग शब्द हैं कि रॉन्ग क्या होता है, इंटेंशन क्या होती है, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, बहुत सारी चीजें हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी, हजारों डेफिनेशन दी गई हैं आईपीसी के अंदर, तो बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। सेक्शन 6 कहता है जो भी डेफिनेशन हम आईपीसी में पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, इस पे मैंने सवाल देखा था एक बार और मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर सेक्शन 6 के अंदर, मतलब जो आईपीसी के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस दी गई हैं, ये हमेशा मान के चलें उसकी जो डेफिनेशन है, जिस शब्द को डिफाइन किया जा रहा है, उसको हमेशा जर्नल एक्सेप्शन से सब्जेक्ट किया जाएगा, समझना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं ये सेक्शन थोड़ा सा टेक्निकल है, पर जो मैं बोल रहा हूं अगर आप उसको बिल्कुल दृढ़ता से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जितने भी डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे आगे, हमेशा हम ये प्रज्यूम करके चलेंगे कि वो सब्जेक्ट हैं किसके, जनरल एक्सेप्शंस के। जनरल एक्सेप्शंस क्या होता है दोस्तों, हमारे आईपीसी का एक भाग है सेक्शन 76 से लेके 106 के बीच में, जिसमें कुछ लगभग जनरल एक्सेप्शंस बताए गए हैं। जनरल एक्सेप्शन का मतलब होता है कि किस किस सिचुएशन में कोई क्राइम क्राइम नहीं माना जाएगा, एक्सेप्शंस हैं वो आईपीसी के। तो जब भी कोई डेफिनेशन पढ़ेंगे ये मान के चलेंगे अगर कोई ऐसा सिनेरियो है जो सेक्शन 76 से लेके 106 के बीच में गिरता है, मतलब जनरल एक्सेप्शन में गिरता है, तो वहां पे बचाव मिलेगा ही मिलेगा। देखो है तो बात बहुत सिंपल है, बट जिस तरीके से बोली गई है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी बात, बस एक लाइन की बात है। जितनी भी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे हमेशा ये मान के चलेंगे कि वो सब्जेक्टेड किसके हैं, जनरल एक्सेप्शन के। बस इतनी सी बात है दोस्तों, ठीक है, सेक्शन 6 क्लियर है। अब आ गए हमारा जो मेन कंटेंट है आज की क्लास है, शुरू क्लास अब हुई है, अभी तक तो बस वार्म अप कर रहे थे हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, बॉडी दिमाग सब चीजों को गर्म कर रहे थे। अब आ रहे हम जो हमारा मेन कंटेंट है, डेफिनेशंस पे, शब्दों पे समझने की कोशिश करेंगे, एकदम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, कभी जरूरत ही ना पड़े कि कोई किताब उठा के रटना पड़े कि इसका मतलब क्या था, आपके एकदम दिमाग में फिक्स हो जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो मैंने उठाई है आपको समझाने के लिए, वो है पर्सन की। ये जो शब्द है पर्सन, ये आईपीसी में बार बार आएगा, बहुत कॉमन शब्द है, हम भी अपने आम जीवन में बहुत इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं हजार बार इस शब्द का इस्तेमाल होता होगा। ठीक है, इसको आईपीसी के अंदर कैसे समझे, ये समझे कि पर्सन का मतलब बहुत सीधा सीधा है, जेंडर न्यूट्रल है, आदमी भी हो सकता है औरत भी हो सकती है। मेन एसेंस है कि ये एक, दोस्तों किसकी बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग की, एक इंसान की बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग की, बस इतना सा समझना है, कुछ नहीं समझना। सेक्शन 11 में पर्सन का मतलब क्या है, एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग, आदमी भी हो सकता है औरत भी हो सकता है थर्ड जेंडर भी हो सकता है, उसका जेंडर से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, यह था हमारा सेक्शन 11। अगला जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमको शब्द का मतलब समझना है वो है दोस्तों जज। अब आप सोच रहे होंगे ये जज तो सबको पता है क्या होता है, कल सीआरपीसी की पूरी क्लास सर आपने इसी बात पे डिवोट कर दी कि किस किस टाइप के कोर्ट हैं, किस किस टाइप के जज हैं, आज फिर आप यही समझाने आ गए कि जज कौन है। मैं एक पर्पस के लिए मैंने उठाया है ये डेफिनेशन जज का, क्योंकि आईपीसी जिस तरीके से जज को डिफाइन कर रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि किस स्टाइल में आईपीसी ने डिफाइन किया। जज वो होता है आईपीसी के अकॉर्डिंग जो दोस्तों जजमेंट देता है, बिल्कुल मैंने वो देख लिया है, मैं भी उस पर वापस आऊंगा। जज को आपको ऐसे समझना है, जज वो व्यक्ति है जो जजमेंट देता है,
आईपीसी में कोई क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ कि वो सेशन जज हो, हाई कोर्ट जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, सीएमएम हो, सीजेएम हो, एमएम हो, कुछ नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं. हु इज अ जज? अ जज हु गिव्स द जजमेंट. जो भी जजमेंट सुनाता है वो जज है. इसलिए कभी आप अगर किसी सवाल से टकरा जाओ, जो जज को डेफिनेशन में पूछ रहा हो, सेक्शन 19 की बात कर रहा हो, बस ये एक शब्द याद रखना, जिस भी ऑप्शन में आप जजमेंट लिखा देख लो वही आंसर होगा. अ जज इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स द जजमेंट, हु गिव्स द जजमेंट. ठीक है, ये जज की डेफिनेशन है. ठीक है, और आखिरी सेक्शन 20 जो कोर्ट ऑफ जस्टिस को डिफाइन करता है. ठीक है, कोर्ट ऑफ जस्टिस हर वो इंस्टीट्यूशन, हर वो ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से सुनना, हर वो इंस्टीट्यूशन, हर वो ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो जुडिशियली एक्ट करती है. जुडिशियली एक्ट करती है मतलब जस्टिस को रेंडर करती है. जस्टिस को रेंडर कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था एविडेंस लॉ की फर्स्ट क्लास, याद रखो, एविडेंस लेना, चीजों को सुनना, लोगों के व्यूज को सुनना, सब चीजों को नजर में मद्देनजर रखते हुए फिर अपना डिसीजन देना. इसको बोलते हैं दोस्तों एक्टिंग जुडिशियली. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट करती है जुडिशियली उसे बोलते हैं क्या, कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है, कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है, तो ये जो तीन डेफिनेशन हमने आज कवर करी वो है पर्सन, जज और कोर्ट ऑफ जस्टिस. पर्सन में एक क्लैरिफिकेशन है, वो बच्चे के मैसेज देख के मुझे याद आ गया कि जब हम पर्सन की बात करते हैं यहां पे जो इंडिविजुअल है वो तो है ही है, ह्यूमन बीइंग है वो तो है ही है, उसके साथ साथ जितनी भी लीगल एंटिटीज हैं, मतलब जैसे कंपनी हो गई, कॉरपोरेशंस हो गई, जिनको भी कानून एक सेपरेट एंटिटी मानता है, वो भी इस डेफिनेशन में गिरती हैं. इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो पर्सन है, जो आईपीसी के क्राइम्स हैं, ये पॉसिबल है कि कोई कंपनी भी उसमें इन्वॉल्व हो. ठीक है, अब पर यहां पे हमको सेग्रीगेट करनी पड़ेगी कुछ चीजों को. हर एक क्राइम कंपनी नहीं कर पाएगी, हर एक क्राइम लीगल एंटिटी नहीं कर पाएगी, कुछ क्राइम कर पाएगी कुछ नहीं कर पाएगी. जैसे कि मर्डर करना किसी कंपनी के लिए इम्पॉसिबल है, पर हाँ हो सकता है कि कोई कंपनी फ्रॉड कर ले. ठीक है, तो उस पर आएंगे जब हम डिटेल्स में जाएंगे तो उस चीज को भी कवर करेंगे. ये बात हो गई पर्सन की. जज की जज की जो डेफिनेशन है वो सिंपल एक शब्द पे टिकी हुई है, जजमेंट पे, कि जो जजमेंट देता है वो जज होता है आईपीसी के अकॉर्डिंग, और कोर्ट ऑफ जस्टिस वो होता है जो जुडिशियली एक्ट करता है. सिंपल सी बात. अगर दोस्तों ये तीन डेफिनेशन क्लियर हो गई है 11, 19 और 20, तो वाई टाइप कर दो. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. जल्दी से वाई टाइप कर दो बच्चों. आज की सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन जिसमें मैं पूरा टाइम डिवोट करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से. ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा. थोड़ी सी डेफिनेशन बड़ी है, पर कोशिश करिएगा कि ना केवल आप सुने पर उसके साथ साथ ये याद भी हो जाए इसी पॉइंट पे, क्योंकि आपको कल को फिर से लेके ना बैठना पड़े. वो है दोस्तों डेफिनेशन पब्लिक सर्वेंट की. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि पब्लिक सर्वेंट होता कौन है, हु इज अ पब्लिक सर्वेंट. ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये आईपीसी जो सेक्शन 21 है बिल्कुल इलेबोरेटेड डेफिनेशन देता है. अगर आप अपना बेयर एक्ट खोलोगे, अगर आपके पास है, और सेक्शन 21 देखने की कोशिश करोगे, तो वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लिखेगा. क्यों लगेगा? उसमें बहुत सारे क्लोजेस हैं और हर क्लोजेस बहुत इलेबोरेट किया गया है, पर उसकी वजह है दोस्तों, रीजन है, उन्होंने किसी भी पोस्ट को, किसी भी क्लॉज को किसी पद से नहीं बांधा है. ये नहीं बोला कि फलाना 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 व्यक्ति कौन होगा पब्लिक सर्वेंट. उन्होंने ये बोला है, जो तरीका अपनाया ना आईपीसी ने वो बहुत अच्छा है. आईपीसी कहता है जो व्यक्ति ये काम करता है वो पब्लिक सर्वेंट होगा. पर मैं आपके लिए एक छोटी सी लिस्ट बना के लाया हूं सिंपल तरीके से, उसको आप अपने नोट्स में जरूर लिख लेना और कोशिश करना कि याद रह जाए. जो पहली कैटेगरी है जो पब्लिक सर्वेंट कहलाती है आईपीसी के अंदर, वो दोस्तों कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं डिफेंस फोर्सेस के.
ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कमीशन्ड ऑफिसर। कई लोग खाली डिफेंस पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि बात हो गई पूरी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो डिफेंस है उसके खाली वही लोग जो कमीशन्ड है, और कमीशन्ड का मतलब दोस्त वो है जो रोल पे आ चुके हैं, मतलब जो एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में एंटर हो चुके हैं, खाली उन्हीं को कमीशन्ड ऑफिसर बोला जाता है डिफेंस का। तो हमेशा ये शब्द कभी मत भूलिएगा कि जो पहली कैटेगरी है पब्लिक सर्वेंट की, वो बात तो करती है डिफेंस फोर्सेस की, पर वही लोग जो उसमें कमीशन्ड ऑफिसर्स है, जो कमीशन्ड है। तो इस शब्द को याद रखिएगा, अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया तो ये शब्द जरूर लिखा होगा, और अगर ये शब्द लिखा होगा तो ये इशारा है आपके लिए सीधा सीधा कि पहले वाले पॉइंट की बात हो रही है, और वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में गिरेगा ही गिरेगा। बट अगर खाली डिफेंस लिखा हुआ है तो दोस्तों वो एक जाल है आपके लिए, ठीक है, उसमें मत गिरिएगा, ठीक है। दूसरी कैटेगरी दोस्तों जज। अब यहां पर आप सभी लोग खुश हो जाओगे, है ना, ठीक है। एक जज जो है वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में गिरता है, और जो लोग एडजुडिकेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किसी भी तरीके से जस्टिस डिलीवरी में अपना हाथ लगाते हैं, उसको इजी करते हैं, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं दोस्तों, वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में गिरते हैं। तीसरी कैटेगरी है दोस्तों ऑफिसर ऑफ कोर्ट। अभी ध्यान से सुनते चलो, लिखते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिसर ऑफ कोर्ट, अब ऑफिसर ऑफ कोर्ट कौन होता है? जितने भी ऑफिसर, जितने भी लोग हैं, वही अपने दिमाग में क्या रखना है, अपने दिमाग में यह रखना है कि इमेजिन करना है कोर्ट ऑफ लॉ को, अगर आप कभी कोर्ट गए हो। देखो जज के अलावा कौन कौन लोग वहां पे मौजूद हैं, फिर उसमें फिल्टर करो कि कौन कौन लोग हैं जिनको हम ऑफिसर ऑफ कोर्ट बोल सकते हैं। क्या पहचान है? पहचान यह है कि वो किसी ना किसी तरीके से जस्टिस डिलीवरी में हेल्प कर रहे होंगे दोस्तों, वही लोग पब्लिक सर्वेंट हैं सेक्शन 21 की डेफिनेशन के हिसाब से। जो शब्द आईपीसी यूज करता है वो है ऑफिसर ऑफ कोर्ट, और ये वही एजेंडा है जो मैंने बताया। आईपीसी ने कोशिश की है कि मैं किसी भी इस डेफिनेशन को किसी भी पद से ना बांधूं, ये ना बोलूं कि ये डेजिग्नेशन वाला व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट होगा, नहीं, उसने कोशिश की है कि व्यक्ति के काम के हिसाब से सेग्रीगेट करूं कि कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ऑफिसर ऑफ कोर्ट, ठीक है। अगला, कोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे हैं। अगला देखिए, वो सारे लोग जो कोर्ट को असिस्ट करते हैं, वो सारे लोग जो कोर्ट को असिस्ट करते हैं, वो सारे लोग भी दोस्तों पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में गिरते हैं। तो हमने क्या सीखा? सबसे पहली कैटेगरी, लीगल कैटेगरीज देख लो, सबसे पहली कैटेगरी जज, दूसरा एडजुडिकेटरी फंक्शंस, तीसरा जो कोर्ट के ऑफिसर्स हैं, साफ साफ लिखा हुआ है ऑफिसर्स, चौथा वो लोग जो कोर्ट को असिस्टेंस दे रहे हैं। ये दोस्तों चार कैटेगरी हैं जो लीगल, जो सीधे सीधे लीगल फील्ड से कनेक्टेड हैं, इसलिए इसके चांसेस ज्यादा बनते हैं कि ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। जज वो लोग जो एडजुडिकेटरी फंक्शंस करते हैं, ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट और जो कोर्ट को असिस्ट करते हैं जस्टिस डिलीवरी में, ठीक है दोस्तों। यहां तक की कहानी होती है खत्म। अगर अभी तक सब कुछ ठीक है तो वाई टाइप कर दो दोस्तों। असिस्टेंस मींस मतलब जो कोर्ट का काम है, जो प्रक्रिया है, उसमें उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अभी और डिटेलिंग में जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, यहां तक हम कर चुके हैं। अगली कैटेगरी है दोस्तों आर्बिट्रेटर। जो आर्बिट्रेटर है वो भी पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, उसके लिए क्या जरूरी है कि उस आर्बिट्रेटर को कोई ना कोई मैटर रेफर किया हो, और मैटर कौन रेफर करेगा? हमारे जज साहब। मतलब नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करते हुए कोई मैटर रेफर करा गया हो हमारे आर्बिट्रेटर को, तो उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक सर्वेंट। वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में गिर जाता है, ठीक है। आर्बिट्रेटर अगर ऑप्शन में आ जाए खाली आर्बिट्रेटर, तो वो आंसर गलत है। हर एक आर्बिट्रेटर पब्लिक सर्वेंट नहीं होता, वही आर्बिट्रेटर जिनको मैटर रेफर करा गया है,
ठीक है, नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस के तहत एक मैटर रेफर किया गया है, वो आर्बिट्रेटर बन जाते हैं। अगला दोस्तों, वो लोग जो सरकारी तौर पे लोगों को कन्फाइनमेंट में रखने का काम करते हैं, कन्फाइनमेंट में मतलब पकड़ के रखने का काम करते हैं, इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है जेलर। जो हमारे जेलर साहब हैं, जो कैदियों को पकड़ते हैं, जो बदमाश लोगों को पकड़ते हैं, कन्फाइनमेंट में रखते हैं, सो जो सारे ऑफिसर जिनका काम है कि सरकारी आदेश के तहत, जुडिशियल आदेश के तहत कन्फाइनमेंट में रखना, वो सारे लोग भी दोस्तों पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में गिरते हैं। इसको जेलर के तहत आप याद रख लो, आपको ये शब्द दिख जाए तो आप समझ जाना, कन्फाइनमेंट शब्द दिख जाए समझ जाना कि पब्लिक सर्वेंट की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण, वो सारे लोग दोस्तों जो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, अगला ऑप्शन, एवरीवन हु मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। मैंने क्या बताया, आईपीसी ने क्या चालाकी करी है, पद को स्पेसिफिक नाम नहीं लिया है, यहां पे ये नहीं लिखा कि पुलिस ऑफिसर, लिख सकते थे, यहां पे ये नहीं लिखा कि कमांडर और मेजर, नहीं, इंडिकेट इशारा कर रहे हैं, सीधा सीधा नहीं बता रहे, इशारा कर रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं, वो लोग जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सहायता करते हैं, वो सारे लोग भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। इसमें सारी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आ जाती हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर्स, ये सारे लोग इसमें आ जाते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, वो सारे लोग जो सरकार के फाइनेंशियल इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं, मतलब जो सरकार की इकोनॉमी में हेल्प करते हैं, सरकार को गाइड करते हैं, कहने का मतलब है जो सरकार की जो फाइनेंशियल मैटर है, हो सकता है आपकी स्क्रीन पर ना दिख रहा हो, मैं यहां पे लिख देता हूं, वो सारे लोग जो सरकार को फाइनेंशियल मैटर्स में, ठीक है, फाइनेंशियल पैसे के लेन देन में हेल्प करते हैं, वो सब लोग भी दोस्तों पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से क्रॉस चेक कर लिएगा सब लोग। सबसे पहले कमीशन्ड ऑफिसर्स, किसके, डिफेंस फोर्सेस के। दूसरे हमारे जज साहब, वो लोग जो एडजुडिकेटरी फंक्शंस करते हैं। तीसरे जो हमारे कोर्ट के ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स। चौथा जो कोर्ट को असिस्टेंस दे रहे हैं। पांचवा आर्बिट्रेटर्स, पर केवल वही आर्बिट्रेटर जिनको मैटर रेफर किया गया है। छठवा जेलर साहब, जो कन्फाइनमेंट में रखते हैं लोगों को। सातवा जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। और अगला जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, किसका, सरकार का, ठीक है। अगर दोस्तों ये वाली स्लाइड सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आगे भी है, अपने सवाल बचा के रखो, अभी आगे भी है, इस स्लाइड की पूछ रहा हूं, ठीक है। बहुत लंबा है पब्लिक सर्वेंट और बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसलिए इतना समय दे रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो वो सारे लोग जो नागरिकों का रिकॉर्ड रखते हैं और टैक्स, कर, कर को लगाते हैं, वो सारे लोग जो नागरिकों का रिकॉर्ड रखते हैं और टैक्स को लिवाई करते हैं, जो जो भी इस टैक्स के एरिया में काम करते होंगे, जो भी सिटीजंस का रिकॉर्ड रखने में काम करते होंगे, ये सारे सेंसस कराते होंगे, ये जो सारी चीजें प्रक्रिया है जिससे सरकार नजर रखती है हर चीज पे, वो दोस्तों कौन होंगे, हमारे पब्लिक सर्वेंट्स होंगे। तो कैसे याद रखोगे, रिकॉर्ड्स ऑफ सिटीजंस एंड लेवाई टैक्सेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इससे कई बार सवाल बन जाता है, वो सारे लोग जो जिनका हाथ होता है इलेक्शन करवाने में, कंडक्ट इलेक्शंस। अब आप सभी को पता होगा इलेक्शन कमीशन के सारे एम्प्लॉइज, ठीक है, वो सारे लोग दोस्तों पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में गिरते हैं सेक्शन 21 के तहत। इलेक्शंस का मतलब है चाहे वो पार्लियामेंट के हों, लोकसभा, राज्यसभा, चाहे वो स्टेट असेंबलीज के हों, चाहे वो पंचायत के हों, ठीक है, चाहे वो म्युनिसिपल बोर्ड्स के हों, सब तरीके के इलेक्शन को जो कंडक्ट कराने में जिनका योगदान रहता है, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, वो सभी लोग दोस्तों पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में गिरते हैं, ठीक है। अब यहां तक तो अभी तक बात हो रही थी लोगों की, ठीक है, अब इसको कर दो अलग। अब मैं आपको एक सीधी सीधी बात कहता हूं, जिससे काफी लोगों के जो सवाल पे सवाल आए जा रहे थे उन सबको जवाब मिल जाएगा अपना। सीधा सीधा क्राइटेरिया है,
वो सारे लोग जो सरकार की सर्विस में हैं या सरकार की तनख्वाह खाते हैं। अब ये सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी है, म्युनिसिपल बॉडी है। तो वो सारे लोग जो सरकारी सर्विस में हैं या सरकारी तनख्वाह पाते हैं, वो सारे लोग दोस्तों पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो जितने भी आप एग्जाम्पल दे रहे थे, सर ये होगा या नहीं होगा, पूछो अपने आप से, क्या वो सरकार की सर्विस में है, क्या सरकार उनको तनख्वाह देती है या फिर कोई लोकल अथॉरिटी देती है? अगर देती है तो पब्लिक सर्वेंट है, अगर नहीं देती है तो नहीं है। सीधा सा आंसर, ठीक है। और अगला साफ साफ लिखा हुआ है आईपीसी में, एक एक मेंशन बड़ा क्लियर है, जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, जो म्युनिसिपल कमिश्नर का पद है, वो दोस्तों पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में गिरता है। इसको क्लियरली लिखा हुआ है, अलग से लिखा हुआ है, तो इसको तो आप याद कर लो कि म्युनिसिपल कमिश्नर होता है वो पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। पर वैसे भी अगर इसको अलग से ना भी लिखते तो भी वो पब्लिक सर्वेंट बन जाता। कहां पे बन जाता? क्योंकि वो सरकार की सर्विस में तो है ही, लोकल अथॉरिटी की सर्विस में है ना, लोकल अथॉरिटी की वो तनख्वाह भी खा रहा है, तो बिल्कुल बन जाता है पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। अब आते हैं बड़े महत्वपूर्ण बात पे। यहां तक बात क्लियर है दोस्तों? यहां तक बात सबको क्लियर है? वाई दबा दो, जल्दी से वाई दबा दो अगर यहां तक बात सबको क्लियर है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जितनी भी कहानी हमने सुनी, जज हो, डिफेंस फोर्सेस में हो, टैक्स देखता हो, इलेक्शन कराता हो, या फिर सरकारी तनख्वाह खाता हो, ये सारे लोग हैं तो पब्लिक सर्वेंट। पर दोस्तों इस क्राइटेरिया को अप्लाई करने के लिए जरूरी नहीं है कि उनका अपॉइंटमेंट भी सरकार ने ही करा हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है, बिल्कुल है कंफ्यूजिंग। आपके दिमाग में 10 सवाल उठने चाहिए और मेरे भी सवाल उठते हैं दिमाग में, पर आप इस बात को गांठ मान लीजिए, किसी व्यक्ति का सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट होना क्राइटेरिया नहीं है पब्लिक सर्वेंट बनने के लिए, भूल जाओ। अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि मेरा अपॉइंटमेंट तो सरकार के द्वारा नहीं हुआ हूं, तो क्या मैं पब्लिक सर्वेंट नहीं हूं? नहीं, बिल्कुल हो सकते हो पब्लिक सर्वेंट, भले ही आपका अपॉइंटमेंट सरकार ने नहीं किया हो, अगर आप इनमें से या फिर पिछली स्लाइड वाली किसी भी कैटेगरी में गिरते हो। सीधी सी बात, तो क्या हमने सीखा कि अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरी, ठीक है। इसको लिख लो नोट्स में अपने, ठीक है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई बार कोई आदमी कोई पद पे होता है, उस पद में कोई डिफेक्ट भी हो सकता है, कई लोग चैलेंज भी करते हैं कि तुम गलत तरीके से बन गए, कि इसकी तो क्वालिफिकेशन कम है, या हजार चीजें। अगर किसी की अपॉइंटमेंट में, अगर किसी के पद होल्ड करने में कोई लीगल डिफेक्ट है दोस्तों, उस लीगल डिफेक्ट के बावजूद अगर वो पद अभी भी होल्ड कर रहा है, अगर वो उस पद पे है, तो उसको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा दोस्तों, माना जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? एक्चुअल होल्डर, एक्चुअल होल्डर मतलब वो पद किसके पास है। आप उस पर कितने भी क्वेश्चंस हो, उसके खिलाफ कितने भी कोर्ट में केस चल रहे हो, जो भी अपोजिशंस हो, सब नॉट विद स्टैंडिंग। अगर जो भी पोस्ट को होल्ड कर रहा है किसी भी समय पे, अगर वो पोस्ट इनमें से कोई भी है, किसी भी कैटेगरी में गिरती है जो हमने अभी तक डिस्कस करे, वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में गिरेगा ही गिरेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मेरी तो अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट है, या कोई दूसरा व्यक्ति आके नहीं कह सकता कि ये तो पब्लिक सर्वेंट नहीं है क्योंकि इसका तो केस कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, भले ही अपॉइंटमेंट में कोई भी लीगल डिफेक्ट हो, अगर कोई व्यक्ति किसी पोस्ट को होल्ड करता है तो वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा ही कहलाएगा, ठीक है। ये दो बातें आप बिल्कुल क्लियर कर लेना कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट जरूरी नहीं है, और पद को कौन होल्ड कर रहा है किसी टाइम पे, वो इंपॉर्टेंट है। अब आप सब लोगों के दिमाग में एक चीज बहुत आ रही होगी, वो होगी
क्या कि सब पब्लिक सर्वेंट, सर पब्लिक सर्वेंट बनना कितनी अच्छी बात है, मैं पब्लिक सर्वेंट कहलाऊंगा, कि सब लड़ते होंगे आपके दिमाग में आ रहा होगा, सब लोग लड़ रहे होंगे पब्लिक सर्वेंट बनने के लिए ना आईपीसी के अंदर, कि मैं इसके क्राइटेरिया में गिर जाऊं, मैं उस क्राइटेरिया में गिर जाऊं। दोस्तों असल में कई बार ये सिचुएशन पलट पड़ जाती है, क्योंकि जब हम आईपीसी आगे पढ़ेंगे और जानेंगे तो ये देखेंगे कि दोस्तों क्या सिचुएशन है, कि ये जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं इनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आईपीसी के अंदर आम आदमी से कहीं ज्यादा। तो व्यवहारिक तौर पे प्रैक्टिकली कई बार पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में गिरना, 124 की डेफिनेशन में गिरना नुकसानदायक हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा ही अच्छी बात नहीं है कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में गिर रहे हैं। ठीक है, ये थी व्यवहारिक बात, बढ़ते हैं आगे। अब जो हमारा जो स्टैट्यूट वाला पार्ट था, जो हमको कानून जानना था, जो हमको कानून समझना था, वो हमने समझ लिया है। अब दोस्तों हम आज एक केस भी पढ़ेंगे, काफी टाइम से हमने केस नहीं पढ़ा है, एक केस पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सा केस है, उसमें थोड़ा सा डिस्कशन का भी स्कोप है, तो आप अपने दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कानून को क्लोजली। कुछ सवाल मैं देख पा रहा हूं कि एडवोकेट होता है कि नहीं होता है, बच्चे सब आएगा, इसी स्लाइड में आएगा, अभी थोड़ी सी तसल्ली रखना है, वो हमारा सेगमेंट मत भूलो, टेस्ट योर लर्निंग, क्वेश्चन सवाल भी तो आएंगे, कुछ चीजें मैंने बचा के रखी हुई हैं सवालों के लिए। ठीक है, तो वो सारे सवाल उन्हीं सवालों में है, तब देखूंगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो अभी आओ केस पढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान से पढ़ना केस, सबने सुना होगा, सबने हो सकता है पढ़ा भी होगा, पर आज इसको बिल्कुल जानने की कोशिश करते हैं, डीपली तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, केस का नाम है दोस्तों बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये दोस्तों केस है 1980 का। ठीक है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का ये केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में जो मेन मुद्दा है, जो मेन डिस्कशन है, वो दोस्तों डेथ पेनल्टी के बारे में है। तो पहले इस शब्द को समझ लेते हैं कि डेथ पेनल्टी का मतलब क्या होता है। दोस्तों डेथ पेनल्टी एक तरीके का पनिशमेंट है जो आईपीसी के तहत अलाउड है, इंडियन पीनल कोड के तहत अलाउड है, कुछ क्राइम्स हैं जिनके लिए मौत की सजा दी जा सकती है। ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों डेथ पेनल्टी। इस पे कई बार दोस्तों ऑब्जेक्शन उठते रहे हैं, लोग बोलते हैं कि डेथ पेनल्टी देना किसी भी व्यक्ति को, भले ही उसका कोई भी क्राइम हो, बहुत गलत बात है, बहुत ही अमानवीय है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इसको चैलेंज करा जा सकता है। और काफी जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो काफी हद तक उन्होंने अपने जो डेथ पेनल्टी के प्रोविजंस को या तो पूरी तरीके से हटा दिया है या फिर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब सालों से, दसों सालों से किसी को डेथ पेनल्टी हुई नहीं है। पर भारत में डेथ पेनल्टी का प्रोविजन दोस्तों आज भी एग्जिस्ट करता है, तो काफी सवाल बार 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 ये उठता रहता है, तो वही डिस्कशन दोस्तों कुछ इस केस में भी उठाता। पर इस केस में जब ये डिस्कशन उठा था, तब ये डिस्कशन थोड़ा सा नया था, तो काफी पॉइंट्स से जो हमारे सीखने के लिए हैं और जो हमारे एग्जाम में आंसर राइटिंग में हमको बहुत मदद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। और एक बैकग्राउंड वाली बात है, इसी समय पर लगभग एक 35th लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी। दोस्तों सबको पता होगा लॉ कमीशन होती है, लॉ कमीशन का काम होता है कि हमारे भारत में जितने भी कानून हैं उन पे नजर बनाए रखना, देखना किसी में कोई कमी है, कुछ है, अगर कुछ है तो वो पार्लियामेंट को गाइड कर सकती है कि कहां कहां पे क्या क्या कानून में बदलाव की जरूरत है या किस एरिया में क्या कानून बनना जरूरी है। ठीक है, 35th जो लॉ कमीशन की दोस्तों रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने साफ साफ बोला कि हमारे देश को डेथ पेनल्टी की जरूरत है। हाँ, उन्होंने ये माना कि डेथ पेनल्टी थोड़ा सा एक ऐसी चीज है जो आसानी से नहीं किसी को देनी चाहिए, इस पे कंट्रोल होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन पे होना चाहिए, पर हाँ उन्होंने ये माना कि इसकी जरूरत है। ठीक है, ये एक बैकग्राउंड की बात है। अब फैक्ट्स पे आ जाते हैं कि इस केस में हुआ क्या, ये जो हमारे बच्चन सिंह है इन्होंने किया क्या ऐसा। इन्होंने दोस्तों तीन लोगों का मर्डर किया था, इन्होंने तीन लोगों का मर्डर किया था और इनका केस सेशन कोर्ट के पास गया। जब इनका दोस्तों केस सेशन कोर्ट के पास गया, सेशन कोर्ट ने इनको फांसी की सजा सुनाई, मतलब इनको डेथ पेनल्टी दी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों
अपील करी गई और केस पहुंचा हाई कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट से एग्री किया और ये बोला कि हाँ, इस व्यक्ति को तो डेथ पेनल्टी ही मिलनी चाहिए। क्या क्या तीन तीन लोगों का मर्डर करके बैठा हुआ है, और मर्डर के लिए दोस्तों डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया। फाइनली दोस्तों, स्पेशल लीव पेटिशन फाइल करी जाती है सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 136 के तहत, और उसमें इस जो जजमेंट थी, जो डिसीजन थी डेथ पेनल्टी की, इसको चैलेंज किया जाता है। और यही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स होते हैं कि डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए, लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दो, और सब देशों ने हटा दिया, वो ही सारे आर्ग्यूमेंट्स थे। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कैसे टैकल करता है। सुप्रीम कोर्ट के टैकल करने के पहले एक प्रोविजन है जो हमको याद रखना है, और आप सब लिख लो इस बात को। सीआरपीसी जो हम कल क्लास ले रहे थे और आगे भी पढ़ेंगे, एक सीआरपीसी का दोस्तों सेक्शन है, सेक्शन 354, उसका सब क्लॉज है 3, ठीक है। सेक्शन 354 का 3, वो एक बहुत अच्छी बात कहता है। कहता है अगर किसी व्यक्ति का कन्विक्शन हो रहा है जिसमें सजा डेथ पेनल्टी की भी दी जा सकती है, अगर कोई ऐसा क्राइम किया है किसी व्यक्ति ने जिसको उस क्राइम के लिए डेथ पेनल्टी तक की सजा दी जा सकती है, तो यह ध्यान रखा जाएगा कि स्पेशल रीजन बताए जाएंगे कि उस व्यक्ति को डेथ पेनल्टी क्यों दी जा रही है। स्पेशल रीजन देने पड़ेंगे, अलग से वजह बतानी पड़ेगी कि ऐसा क्या हो गया कि इस व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दी जा रही है। ये सेक्शन 354 में 3 के तहत ये प्रोसीजर का पार्ट है, और ये सबको फॉलो करना ही करना पड़ता है। एक तो ये बात जानने वाली है, इसको गार्ड मान लो, सेक्शन 354 का सब सेक्शन 3, ठीक है। स्पेशल रीजंस की बात करता है, किस केस में, डेथ में, ठीक है। अब ये जो बच्चन सिंह का जो साइड था, ये बोल रहा था कि ये जो डेथ पेनल्टी दी जाती है लोगों को, इससे क्या होता है, लोगों का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। आर्टिकल 19 के जो भी अधिकार हैं, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, बिजनेस, वो सारे के सारे वायलेट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को मार ही दोगे तो उसका क्या ही अधिकार, क्या ही अधिकार है ना। तो आर्टिकल 19 को मेन बेसिक ग्राउंड बनाया गया, पर अगर आप सोचें तो आर्टिकल 21 भी यहां पे एप्लीकेबल हो सकता है, सेट हो सकता है। तो इसी तौर पर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 का ग्राउंड लेते हुए बच्चन सिंह की साइड ने बोला कि डेथ पेनल्टी इज नॉट द राइट थिंग, आज के समय पे तो बिल्कुल भी नहीं, और डेथ पेनल्टी को बैक हटा देना चाहिए, और जो भी हमारा स्टैट्यूट जहां पे भी आईपीसी कहता है कि डेथ पेनल्टी दी जाएगी उसको डिलीट कर देना चाहिए। मतलब कहने का है हमारे भारत से डेथ पेनल्टी का प्रावधान ही एबोलिश कर दो, क्योंकि ये मानव जाति के खिलाफ, ऐसा ऐसा कुछ बातें हुई। दोस्तों लाइक्स अभी भी कम है व्यूअरशिप से, वीडियो लाइक कर दो फटाफट से, नंबर से ज्यादा दिखना चाहिए, कम क्यों दिख रहा है, लाइक करते रहो दोस्तों, ठीक है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये पूरी बात हो रही थी, जब ये पूरा चीज डिस्कशन हो रहा था, तो जो स्पेशल रीजन की बात थी जो हमने अभी डिस्कस करी 354 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लेने की कोशिश करी, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो एक्सप्रेशन है जो लिखा हुआ है स्पेशल रीजन 354 में, उसको हमको समझना चाहिए ऐसे जैसे कि लिखा हुआ हो एक्सेप्शनल रीजन। एक्सेप्शनल रीजन, इन दोनों शब्दों में फर्क क्या है, स्पेशल में और एक्सेप्शनल में, यह समझना बहुत जरूरी है, तभी हमको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है स्पेशल का मतलब होता है कि किसी को डेथ पेनल्टी दे रहे हो तो कुछ वजह बता दो अलग से कि इस वजह से इसको डेथ पेनल्टी दी जा रही है, काम खत्म होता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं नहीं, स्पेशल नहीं, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब आप ये बताओ ऐसा क्या हो गया कि डेथ पेनल्टी देनी पड़ रही है, कुछ एक्सेप्शनल होना चाहिए केस में, कुछ ऐसी वजह होनी चाहिए जिसमें लगे कि डेथ पेनल्टी ही दे। जैसे कि एग्जांपल है निर्भया का जो रेप एंड मर्डर केस था, ऐसे कुछ, मतलब कुछ बहुत ही भयानक होना चाहिए, एक्सेप्शनल होना चाहिए, जो रोजमर्रा की चीज नहीं है, तो आपको एक्सेप्शनल रीजंस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया वो 4-1 आया, 4 लोग मेजोरिटी में थे और एक व्यक्ति ने अपोज किया, और जो व्यक्ति अपोज करने वाले थे वो थे हमारे जस्टिस भगवती, बहुत पॉपुलर जज रहे हैं, इन्होंने डिसेंट किया, ठीक है। और इसी केस से दोस्तों निकल के आती है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डॉक्ट्राइन, बहुत ध्यान से देखिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डॉक्ट्राइन, इसी एक लाइन के लिए मैंने आपको ये पूरा केस पढ़ाया है,
रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, मतलब ये जो एक्सेप्शनल रीजंस वाली बात है इसी से निकल के आती है ये डॉक्ट्रिन। ये बोलती है जब आप किसी को डेथ पेनल्टी दे रहे हो तो उसके लिए कुछ ऐसी वजह होनी चाहिए, वो केस कुछ ऐसा होना चाहिए जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। रेयर का मतलब होता है कि बहुत ही कम दिखने वाला, और उसका भी रेयरेस्ट, रेयर ऑफ द रेयर मतलब बहुत ही भयानक, बहुत ही अलग और बहुत ही अमानवीय टाइप का केस होना चाहिए, तभी डेथ पेनल्टी दी जाएगी। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की डॉक्ट्राइन की दोस्तों यहां पे बच्चन सिंह के केस से शुरुआत हुई। और जो हमारे ये जो भगवती जी थे, भगवती जी ने डिसेंट क्यों किया, बहुत बढ़िया जज थे, पर आप लोगों को हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा लगे कि बिल्कुल सही बात कर रहे हैं जजेस कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनल्टी हटाएंगे तो नहीं, क्योंकि जैसा कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट कह रही है हमें डेथ पेनल्टी की जरूरत है, वो भय बना रहना चाहिए, पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देंगे। पर ऐसे में हम जब देखते हैं कि भगवती जी कह रहे हैं कि नहीं मैं इससे एग्री नहीं करता, तो उसकी वजह क्या रही, वजह समझना जरूरी है। भगवती जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा जरा सेक्शन 302 को देखो दोस्तों। 302 जो सेक्शन है आईपीसी का, वो जो मर्डर है उसकी पनिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें जो दो प्रमुख ऑप्शंस पे फोकस किया भगवती जी ने, उन्होंने बोला कोई व्यक्ति क्राइम एक ही कर रहा है, मतलब एक ही व्यक्ति ने मर्डर किया है, एक व्यक्ति ने मर्डर किया है, दूसरे व्यक्ति ने भी मर्डर किया है। अब जज के सामने क्राइम वही है, मर्डर ही, जज के सामने इतनी सुप्रीम पावर है कि अगर उसका डिसीजन इधर जाएगा तो वो जिएगा। मानो अगर वो सजा देता है किसकी, लाइफ इंप्रिजनमेंट की, अगर जज सजा देता है लाइफ इंप्रिजनमेंट की तो वो व्यक्ति जिएगा, क्राइम वही है। और अगर वो व्यक्ति जज डिसीजन देता है डेथ पेनल्टी की तो वो मर जाएगा। और ये पूरी बात किसी व्यक्ति का जीना या किसी व्यक्ति का मरना किसी लिखित कानून पे बेस्ड नहीं है, किस पे बेस्ड है, उस जज की मेंटेलिटी पे, उस जज की सोच पे। तो ये जो डिस्क्रिशन है ये बहुत ज्यादा सुप्रीम है, कभी भी किसी जज के हाथ में मन मुताबिक ये डिसाइड करने की पावर नहीं आनी चाहिए कि कोई व्यक्ति जिएगा या मरेगा। इसी बात को ऑब्जेक्शन था भगवती जी का, उन्होंने बोला कि अगर डेथ पेनल्टी रखनी है तो हमको एक स्पेसिफिक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा कि जब ये चीजें होंगी तभी डेथ पेनल्टी दी जाएगी, वरना जज चाहे तो भी डेथ पेनल्टी नहीं दिया जा सकता। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के लिए वो ये बोल रहे थे, रेयर क्या चीज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगी ये भी तो जज ही डिसाइड करेगा, जज को क्या रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लगता है, वहां पे भी तो आपका दिमाग, आपकी मेंटलिटी, आपका डिस्क्रिप्शन का रोल है। तो यही वजह रही। पर हाँ, एक बहुत बड़ी चीज निकल के आई इस केस के सामने, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डॉक्ट्राइन से क्या हुआ कि जो हर दूसरे केस में डेथ पेनल्टी की चीजें आती थी निकल के, वो खत्म हो गई और ये डॉक्ट्राइन काफी हद तक दोस्तों सक्सेसफुल भी रही। दोस्तों अगर सभी को बच्चन सिंह का केस क्लियर है तो प्लीज वाई टाइप कर दो दोस्तों, हम अपने अगले सेगमेंट पे बढ़ सकते हैं क्वेश्चंस पे। सबको समझ में आया बच्चन सिंह का केस, वाई टाइप कर दो फटाफट। चलिए दोस्तों अपने लास्ट सेगमेंट पे आते हैं, मैं समझ रहा हूं बहुत समय हो गया आपको पढ़ते पढ़ते, लास्ट सेगमेंट है, क्वेश्चंस है, देख लेते हैं चेक कर लेते हैं कि आज जो हमने पढ़ा उसमें से कितनी चीज आपको समझ में आई और कितना आपको समझ में नहीं आया, देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट, ये कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, उनमें से बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट, आईपीसी अप्लाई टू एवरीवन इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। पहली स्टेटमेंट कह रही है जो इंडिया इंडियन पीनल कोड है वो भारत के अंदर, भारत सब जो भारत के अंदर सारे लोग हैं सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। आईपीसी अप्लाई टू एवरीवन इन एवरी पार्ट, भारत के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति है उस पर आईपीसी अप्लाई होगा। दूसरा, आईपीसी अप्लाई टू ऑल इंडियन सिटीजन विद इन और विद आउटसाइड इंडिया। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है आईपीसी सब लोगों पे अप्लाई होता है जो भारतीय नागरिक हैं, चाहे वो भारत के अंदर हो चाहे वो भारत के बाहर हो। तीसरा, थर्ड पॉइंट, An act committed outside India, if would have been committed India. अगर ऐसा कोई act है जो हुआ तो भारत के बाहर है, पर अगर वो भारत के अंदर हुआ होता तो वो क्राइम होता। यहां पे वही repercussion वाली बात हो रही है। Section 3 याद रखो, impact याद रखो।
और चौथा ऑप्शन है कि ऑल ऑफ द अबव, कि ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी वो सब सही है, कि आईपीसी सब पे अप्लाई होता है जो भारत के अंदर है, आईपीसी भारतीय नागरिकों पे अप्लाई होता है चाहे वो कहीं भी हो, और आईपीसी अप्लाई होता है किसी भी ऐसे एक्ट पे जो बाहर किया गया है जिसका रिप्रिकॉशन भारत में है। बिल्कुल सही है दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, मुझे खुशी हो रही है कि आपको समझ में आया। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू एक सिचुएशन बेस्ड है, ध्यान से सुनिएगा। अ फॉरेन नेशनल फायर्स एट एन इंडियन सोल्जर फ्रॉम द अदर साइड ऑफ एन इंटरनेशनल बॉर्डर, विल आईपीसी अप्लाई? एक विदेशी नागरिक ने भारतीय सैनिक पर गोली चलाई दोस्तों, एक फॉरेन नेशनल ने इंडियन सोल्जर के ऊपर फायर किया, और जब उसने फायर किया वो हमारा जो भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके अपोजिट साइड था, मतलब भारत की टेरिटरी के अंदर नहीं था, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि ये जो व्यक्ति है जिसने गोली मारी है इंडियन सोल्जर को भारत की टेरिटरी के बाहर से, क्या उस पर आईपीसी अप्लाई होगा? देखिए पहला है कि यस अप्लाई होगा, दूसरा है नहीं होगा, तीसरा है गॉड नोज, भगवान जाने। बताइए ए बी सी डी तो है ही नहीं इसमें, ए बी सी है बस। अप्लाई होगा कि नहीं होगा? एक फॉरेन नेशनल जिसने बॉर्डर के दूसरी तरफ से इंडियन सोल्जर पे फायर किया है, दोस्तों काफी कंफ्लिक्टिंग आंसर्स आ रहे हैं, जो इसका जवाब है दोस्तों वो यस होगा, आईपीसी अप्लाई होगा। इसका जवाब आपको मिलेगा दोस्तों सेक्शन 3 के अंदर, कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन किया जाता है वो भले ही इंडियन टेरिटरी से बाहर है पर उसका इंपैक्ट रिपरकशन इंडियन टेरिटरी में फील होता है, तो उस पे उस सिचुएशन में दोस्तों आईपीसी अप्लाई होगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, काफी ज्यादातर मेजोरिटी ने सही जवाब दिया है, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल है कि आईपीसी किस पे अप्लाई नहीं होता है, आईपीसी डजंट अप्लाई टू, आईपीसी किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है, सुनना। पहला डिप्लोमेट्स पे अप्लाई नहीं होता, दूसरा फॉरेन सोवरेंस पे अप्लाई नहीं होता, तीसरा एनिमी एलियंस पे अप्लाई नहीं होता, और चौथा ए और बी मतलब डिप्लोमेट्स और फॉरेन सोवरेंस पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार दोबारा क्रॉस चेक करेंगे। मुझे लगता है मेरा जवाब यह है, मुझे ऐसा लगता है कि आईपीसी जो है ना ही डिप्लोमेट्स पे अप्लाई होता है ना ही फॉरेन नेशनल्स पे अप्लाई होता है, और मेरे हिसाब से ये एनिमी एलियंस पे अप्लाई नहीं होना चाहिए, पर एक बार क्रॉस चेक करेंगे फिर से कंफर्म करेंगे। इसलिए मेरा आंसर इसमें होगा, ऑप्शंस में तो नहीं है पर ए बी और सी तीनों, जो काफी बच्चे बोल भी रहे हैं, ठीक है, पर एक बार क्रॉस चेक जरूर करेंगे, ठीक है। हमेशा आदत बना लो, किसी में भी डाउट हो वापस जाओ क्रॉस चेक करो, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पे, आगे बढ़ो। इनमें से जो हम डिस्कस करेंगे कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं है, और आप लोगों ने मुझे परेशान कर दिया कमेंट कर करके, एडवोकेट 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 है ना, लो भाई आगे भाई एडवोकेट साहब, अच्छा इसमें नहीं आए आ जाएंगे। इसमें से जो हम पढ़ेंगे इसमें कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ध्यान से सुनना, पब्लिक सर्वेंट नहीं है। पहला ऑप्शन आर्मी ऑफिसर, दूसरा लिक्विडेटर, लिक्विडेटर कौन होता है काफी लोगों को हो सकता है पता ना हो, लिक्विडेटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कोर्ट की सहायता करता है किसी भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को बेचने खरीदने उसको संभालने के लिए, ऐसा समझ लीजिए। तहसीलदार या फिर चीफ मिनिस्टर, इन चारों में से कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं है, आर्मी ऑफिसर लिक्विडेटर तहसीलदार चीफ मिनिस्टर, जल्दी बताओ ए बी सी डी।
देखो अब आंसर करने का तरीका देखो, चीफ मिनिस्टर पे तो अप्लाई नहीं होगा, कैसे हो जाएगा चीफ मिनिस्टर पे अप्लाई? सोचो आप लोग, जितने भी क्राइटेरिया हमने पढ़े थे, कमीशन, डिफेंस फोर्सेस नहीं है, जज नहीं है, किसी भी तरीके से कोर्ट को भी असिस्ट नहीं कर रहा है, सरकार की सर्विस में भी नहीं है, सरकार की तनख्वाह भी नहीं खाता, चीफ मिनिस्टर तो नहीं होगा। तहसीलदार स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है, लिक्विडेटर कोर्ट को असिस्ट कर रहा है ना। और पहला आर्मी ऑफिसर, क्या क्राइटेरिया है याद करो, क्या बोला था, एक शब्द वहां पे जरूर होना चाहिए, लेके जाना पड़ेगा क्या वापस? देखो क्या लिखा हुआ था, जब भी डिफेंस की बात आएगी तो कमीशन्ड ऑफिसर इन डिफेंस, तो इस सिनेरियो में जो हमारा ये वाला सिनेरियो है, इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो ऑफिसर की बात हो रही है, ये ऑफिसर कमीशन्ड है या नहीं है, इस बात पे जवाब होगा। तो इसमें परेशानी नहीं, इसमें परेशानी नहीं, इसमें परेशानी, इस पे फोकस करना है। और मैं बताऊं, अगर सवाल आया तो इस पॉइंट से आएगा, इसी पॉइंट से आएगा। क्यों आएगा मैं बताता हूं, जो भी हमने अभी तक क्राइटेरिया पढ़े सेक्शन 21 के अंदर, उसमें किसी को भी ये अप्लाई, चीफ मिनिस्टर का क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होता है। पर दोस्तों एक केस हुआ, बड़ा ही पॉपुलर केस हुआ, हमारे तमिलनाडु के बहुत लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति करुणानिधि जी का केस हुआ। उस करुणानिधि जी के केस में, क्योंकि बात उस केस में भी जिम्मेदारी वाली थी, कोर्ट ने बड़े ही बढ़ चढ़ के खुल के बोला कि जो चीफ मिनिस्टर है वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में गिरना चाहिए। तो ये जो बात निकल के आई, इसकी वजह से दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है, ये सीधा सीधा एक बहुत अच्छा टारगेट बन जाता है क्वेश्चन पूछने वाले लोगों के लिए, एग्जाम पैटर्न सेट करने वाले लोगों के लिए। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, अगर केस पूछने को आ जाए तो इट इज करुणानिधि केस, और उस केस में पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर किया गया किसको, चीफ मिनिस्टर को। ठीक है, तो अब मुझे लगता है इस सिचुएशन के बाद यह बात आपके दिमाग से नहीं निकलेगी। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा सफर है वो यहीं समाप्त होता है। कल भी हमारी आईपीसी की ही क्लास होगी, 7 बजे ही होगी, उसमें जरूर आइएगा, देखिएगा। जो आगे का डिस्कशन है, जो आगे के सेक्शंस हैं, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप देखिए जो क्वेश्चंस मैं जिस तरीके से डिजाइन करता हूं ना, उसमें मेरा पर्पस रहता है कि मैं आपको फंसाऊं। क्योंकि क्या होता है, जब आप कोई गलती करते हो, जब आप कोई एरर करते हो, या जब आप कंफ्यूजन फील करते हो और फिर आपको उसको सॉल्व करा जाता है तो आपको याद हो जाता है। इसलिए कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर नहीं बता सकते, क्योंकि मैं पूछता इस तरीके से हूं, जैसे ये चीफ मिनिस्टर वाला एग्जाम्पल हो गया, या इससे पहले एनिमी एलियन वाला हो गया, तो उसको उसमें कंफ्यूज ना हो और जो बोला जा रहा है उसको समझे। और नोट्स जरूर बनाते रहें दोस्तों, हाँ रिटन नोट्स अपलोड करते हैं हम लोग, पर जो हम लोग नोट्स खुद बनाते हैं ना, उनकी भी दोस्तों अपनी ही बात होती है। और एडवोकेट वाली बात, हाँ एडवोकेट वाली बात रहेगी, फिर से बच्चा आ गया वो वाला। देखिए ध्यान रखिए, जो बात एडवोकेट की है खुद पूछो अपने आप से, जो एडवोकेट है पहले हमने देखना पड़ेगा क्या वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या फिर सरकारी वकील है या फिर वो इंडिपेंडेंट लिटिगेशन में है। अगर दोस्तों वो इंडिपेंडेंट लिटिगेशन में, तो जितने भी क्राइटेरियाज हमने डिस्कस करे उसमें उसका गिरना मुश्किल हो जाएगा। एक क्राइटेरिया है जिसमें कर्ज गिर सकता है, वो असिस्टेंस ऑफ कोर्ट वाली, पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। असिस्टेंस ऑफ कोर्ट क्या वो सही, अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो क्या वकील सच में असिस्ट करते हैं कोर्ट को?
तो वो भी एक सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ा जो हर्डल ये आएगा कि वो किसी भी सरकार की सर्विस में नहीं है और सरकार की तनख्वाह नहीं खाता है, तो वहां पे थोड़ा सा उसको परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसलिए अगर मेरे सामने सवाल आता है एडवोकेट का, तो मैं उसका आंसर करूंगा कि नहीं, एडवोकेट पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं करना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, ऐसे ही जुड़े रहिए और लाइक कर दीजिए जिसने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया। आपसे मिलता हूं कल, धन्यवाद।